ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं हं वंदे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंदमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल शाम को मैं सोच रहा था किस बारे में चर्चा करूं, तो मेरे दिमाग में एक थॉट चल रहा था कि कई बार हम कुछ भी करते हैं तो दो चीजें पॉसिबल होती हैं। जैसे हम सुबह जप कर रहे हैं तो जप करने से हमारे मन की शुद्धि भी होती है, लेकिन कई बार हमें भक्त प्रसिद्धि भी मिलती है, अरे देखो प्रभु जी कितना अच्छा जप करते हैं, तो दोनों चीजें हो जाती हैं। तो मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था इस चीज को क्या टॉपिक दूं मैं, तो मैंने अपने बेटे से पूछा कार्तिक से कि क्या टाइटल देना चाहिए। तो मैं से डिस्कस कर रहे थे तो फिर उसने बोला पापा ऐसा करो उसको टाइटल दे दो ओवरकमिंग हिपोक्रेसी। तो मैंने बच्चों को भी पकड़ लिया। कार्तिक कई बार जब जप करता है तो उसका ध्यान भटक जाता है, तो एक बार हमने ऐसा नोट किया था जब वो जप कर रहा था तो वो जप करते करते ऐसे कर रहा था, तो हमने पूछा क्या कर रहा है, उसका ध्यान कहीं और था, वो मर्सिडीज चला रहा था जप करते करते। तो मैंने कहा तुम्हारा भी ध्यान भटका है, तुम भी मर्सिडीज चला रहे थे जप करते करते, तो तुम्हारे ऊपर ही क्लास देते हैं। तो एकदम से वो चिढ़ गया, थोड़ा बुरा मान गया। फिर उसके बाद जब उसकी एक तरीके से हिपोक्रेसी पकड़ी गई तब उसको थोड़ा गुस्सा आया। सेम चीज मेरी बेटी के साथ भी हुई कल। मेरी दादी का निधन हुआ अभी 2-3 दिन पहले, तो हम उनके लिए भगवत गीता का पाठ कर रहे हैं रोज 6-6 चैप्टर्स का। तो कल हमको चैप्टर 7 से लेकर 12 का पाठ करना था, तो कामाक्षी बोली कि पापा मुझसे नहीं होगा, कल भी मुझे नींद आ गई थी, मैं थक जाती हूँ, मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। मैंने कहा तुम पहले पूरी भगवत गीता का एक साथ पाठ कर चुकी हो 3.5 घंटे का, हम तो 1/3 कर रहे हैं, इसमें कैसे थक जाओगी। नहीं नहीं मुझे कल भी नींद आ गई थी। मैंने कहा तुम स्कूल में कैसे करती हो, 6 घंटे स्कूल में रहती हो, पूरा पूरा दिन स्कूल में क्या करते हैं, पढ़ाई तो करते हैं। नहीं पापा हर पीरियड में टीचर बोलती है सर नीचे करके थोड़ा रेस्ट ले लो, तो स्कूल में इतना डिफिकल्ट नहीं होता। तो मैंने उसको बोला तुमने कभी मूवीज तो देखी है, तुमने 2-3 घंटे की वीडियोस देखे हैं, हमने तुम्हें दिखाए हैं, तब तो तुम्हारी आंखों में कोई दर्द नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो उसकी भी हिपोक्रेसी पकड़ी गई, बहाने कर रही थी वो, तो वो भी चिढ़ गई कि पापा ऐसे क्यों कर रहे हो। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर भी क्लास दूंगा कल। तो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। फिर उसके बाद अभी इससे पहले मैं आगे कुछ बोलूं, काफी मनाने के बाद दोनों बच्चों की परमिशन के साथ मैं ये क्लास दे रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा एग्जाम्पल दूंगा और तुम्हें हर्ट करेगा कि पापा मेरा नाम लेकर क्यों ये क्लास दे रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मैं भक्तों से प्रार्थना भी करूंगा क्योंकि आपने मुझे परमिशन दी है कि मैं इस क्लास में आपका नाम लूं, और इस डायरेक्ट एग्जाम्पल से अगर भक्तों का भला होता है तो भक्त आपके लिए काफी प्रार्थना भी करेंगे। तो जैसे तैसे वो लोग मान गए, लेकिन उसके बीच में क्या क्या हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि जब हमारी कोई नेगेटिव चीज पकड़ी जाती है तो हमारे साथ क्या होता है। पहले तो हम बहाने मारते हैं, थोड़ा हिपोक्रिटिकल बिहेवियर करने का कोशिश करते हैं, लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं लाइन से। पहला तो होता है हमें गुस्सा आ जाता है, हम अटैक करने लगते हैं। तो जैसे ही उन दोनों की हिपोक्रेसी थोड़ी सी एक्सपोज हुई तो मुझ पर गुस्सा करने लगे। कार्तिक बोलता है आप कल क्लास दोगे ना, मैं क्लास में पीछे से आके बहुत ज्यादा हल्ला करूंगा और पूरी आपकी क्लास डिस्टर्ब कर दूंगा लाइव। तो मुझे थ्रेटन किया कि आप मुझे अगर एक्सपोज करने का कोशिश करेंगे तो मैं आपके संग कुछ गड़बड़ कर दूंगा। मतलब अगर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को या किसी करप्ट पॉलिटिशियन को एक्सपोज करने का कोशिश करें तो वो आपको परेशान करने की धमकी देते हैं, मैं तुम्हारी फैमिली को देख लूंगा, मैं तुम्हारे संग ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ ऐसे लोग करते हैं, बच्चे भी करते हैं, तो मुझे भी ऐसी धमकी दी गई। फिर उसके बाद मैंने उसे काउंटर थ्रेट किया, मैंने कहा अच्छा तुम लाइव क्लास में मुझे डिस्टर्ब करोगे, मैं तुम्हें आनंद वृंदावन प्रभु से लाइव डांट लगवाऊंगा। तो आनंद वृंदावन प्रभु के लिए बच्चों के मन में काफी रेस्पेक्ट है, तो डर गया वो, तो बोला मैं भाग जाऊंगा वहां से।
ये होता है थर्ड चीज। पहले तो आपने अटैक किया हिपोक्रेसी एक्सपोज होने के बाद, फिर उसके बाद जब अटैक काम नहीं करता तो इंसान क्या करता है, दूसरे पैंतरे अपनाता है, वहां से भाग जाएगा। कई बार कुछ क्रिमिनल अगर पकड़ा जाता है तो पहले तो आपको डराने धमकाने की कोशिश करेगा, नहीं तो फिर पुलिस से भागने की कोशिश करेगा, तो इंसान भाग जाता है। ऐसे हम लोग भी भाग जाते हैं। हमारी लाइफ में अगर देखिए, कोई भक्त, बहुत पुराना भक्त है, खासतौर से पुराने भक्तों के साथ ऐसा होता है, अगर जब छूट गया किसी वजह से, ये हमारे कुछ अनर्थ हैं, कई सालों से निकले नहीं है और वो पकड़े गए, हमने मंदिर में आना बंद कर दिया किसी वजह से, तो क्या होता है, हम भक्तों को शक्ल नहीं दिखाते। किस मुंह से शक्ल दिखाएं भक्तों को कि हमारा जब छूट गया, अरे प्रभु जी तो इतना प्रीचिंग करते थे, अभी जब छूट गया प्रभु जी का, लोग बोलेंगे क्या हमारे बारे में, तो हम डर के भाग जाते हैं, मुंह छिपाते हैं, नहीं दिखा पाते अपना मुंह, तो भाग जाते हैं। तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं भाग जाऊंगा, और बेटी ने क्या कहा, वो बोलती है कि उसने भी मुझे अटैक किया, लेकिन उसके बाद जब काम नहीं किया तो बोलती है कि पापा प्लीज 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 तो गिड़गिड़ाना। तो हम भी ऐसा करते हैं, जब हमारी कोई चीज पकड़ी जाती है तो हम गिड़गिड़ाते हैं, नहीं मेरा नाम मत लेना, मेरा नाम मत लेना। तो या तो हम एक एक विक्टिम की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं नहीं मेरे संग ऐसा मत करो, आप मेरे संग गलत कर रहे हो, मैं विक्टिम हूं, या फिर भाग जाएंगे। और वो भी काम नहीं करता तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जस्टिफाई करते हैं कि एक्चुअली मैंने ऐसा क्या गलत किया, हम तो बच्चे हैं पापा, आप तो फायदा उठा रहे हो हमारी बात का। बच्चों को एक्सप्लॉइट करके क्लास दोगे, आपको क्लास के लिए कंटेंट चाहिए, इसलिए आप छोटे छोटे बच्चों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो नेगोशिएशन से पहले जस्टिफिकेशन, कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो ये नेगोशिएशन जस्टिफाई किया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, महागठबंधन, दोनों एक हो गए, कामाक्षी पापा को पकड़, डिलीट करेंगे पापा ने जो भी नोट्स बनाए हैं। तो झगड़ा चलता रहा, मेरी जो वर्ड फाइल खुली हुई थी जिसमें मैंने नोट्स बनाए थे, उसको डिलीट करने का कोशिश दोनों मिलकर करने लगे मुझसे झगड़ा करके। हम पॉलिटिक्स में भी देखते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उसके उनके अगेंस्ट कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज भी एकजुट हो जाती हैं, महागठबंधन सरकार। कोई एक इंसान अगर बहुत पावरफुल होता है, हालांकि हर किसी को पावरफुल बनना है, हर किसी को दूसरों को दबाना है, लेकिन छोटे छोटे लोग साथ में आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये जो इंसान बहुत पावरफुल हो गया ना, इससे हम अकेले नहीं जीत सकते, हमें साथ में मिलकर आना पड़ेगा, पहले इसको गिराते हैं बाद में आपस में देखेंगे, क्योंकि इससे अकेले तो जीत ही नहीं सकते, आपस में क्या है, कभी मैं जीतूंगा कभी तू जीतेगा, हम सब कमजोर हैं, लेकिन इस इंसान को तो मिलकर ही हराना पड़ेगा। तो महागठबंधन करते हैं। फिर उसके बाद नेगोशिएशन, मैंने उनको बोला कि तुम अगर परमिशन दोगे तो मैं भक्तों से बोलूंगा कि आपके लिए प्रार्थना करेंगे, क्योंकि पर्सनल एग्जाम्पल से अगर कोई बात समझ में आती है तो जनरल बात करने से वो बात नहीं समझ में आती। तो बोले कि पापा आप हमारा नाम क्यों ले रहे हो, आप जनरल ऐसे बोल दो कि ऐसा एक बच्चा है ऐसा करता है बिना नाम लिए। तो थोड़ा नेगोशिएशन होने लगा। फिर उसके बाद आप और बेटी क्या बोलती है कि आपको प्रेयर्स चाहिए ना हमारे लिए, आप डिवोटी से ऐसे ही बोल दो कि हमारे बच्चों के लिए प्रे कर दो, लेकिन हमारे बारे में कुछ बताओ नहीं। तो ये सारे नेगोशिएशन चलने लगे। तो हम भी कई बार देखते हैं करप्ट पॉलिटिशियन, अगर आप एक्सपोज करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको ब्राइब करेगा, पैसा देगा, रियल लाइफ में ये सब होता है। और फिर लास्ट में पॉलिटिक्स, मेरे बच्चों ने मेरी वाइफ को कंप्लेन करने का कोशिश किया, ऐसा सोचकर कि शायद उसकी ज्यादा चलती है घर में, वो हायर अथॉरिटी है, तो हायर अथॉरिटी को कंप्लेन करने का कोशिश किया, मुझे फंसाने का कोशिश किया कंप्लेन करके पॉलिटिकली। तो ऐसा भी होता है लाइफ में, लेकिन फाइनली जब मैंने उनको काफी समझाया तो वो मान गए। तो आप सबसे प्रार्थना है कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ी प्रार्थना करें, उनके दिल पर बहुत एक तरीके से आघात हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, डिवोटीज हमारे बारे में क्या सोचेंगे, ये इतने प्यारे बच्चे सामने बैठकर जप करते हैं और इतना कुछ भरा हुआ है इनके अंदर। तो उन्हीं के अंदर नहीं, हम सबके अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है। तो हिपोक्रेसी के ऊपर थोड़ा, ये तो बच्चों की कहानी हुई, हिपोक्रेसी के ऊपर थोड़ी और चर्चा करेंगे। हिपोक्रेसी है क्या, हम सबके अंदर नेगेटिविटी भरी है। हिपोक्रेसी वो है जब हम गलत चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अनर्थ तो हम सबके हृदय में है, सिर्फ अनर्थ होना हिपोक्रेसी नहीं है, अनर्थ है लेकिन आप उसको पकड़ कर बैठ गए हैं और उसको छिपाने का प्रयास कर रहे हैं,
दोगुलापन दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर कोई अनर्थ नहीं है, आप बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं, वो हिपोक्रेसी है। जो दूसरी चीज होती है, जो हमारे अंदर नेगेटिव चीजें हैं लेकिन जब हम उन्हें पकड़ कर बैठते हैं, पकड़ कर क्यों बैठते हैं, हृदय दौर्बल्यम की वजह से। हृदय दौर्बल्यम के ऊपर भी कुछ समय पहले मैंने एक क्लास दी थी, जो व्रजविहारी प्रभु की क्लास में से लिया था मटेरियल, जिसमें चार चीजें थी, तुच्छ आसक्ति, जो छोटी चीजों से हमें मटेरियल चीजों से बहुत ज्यादा अटैचमेंट जो होता है, तुच्छ आसक्ति, कूटी नाटी जस्टिफाई करते हैं उसको, प्रतिष्ठा मान सम्मान के लिए, नाम के लिए कि भाई मैं कितना महान भक्त हूं इस बात के लिए, और मत्सर्य, जो दूसरों के प्रति हमारे मन में द्वेष होता है, एनवी होती है, उसकी वजह से हम जो चीजें करते हैं हम छोड़ नहीं पाते कि नहीं इसको तो मैं, इसको तो नीचा दिखाना ही है, उसके प्रति मेरे मन में द्वेष है, तो ये हृदय दौर्बल्यम होता है। मैंने ये भी चर्चा किया था उस क्लास में, हृदय दौर्बल्य वाली क्लास में, कि जो हरिनाम के प्रति जो 10 offenses है उसमें 10th offense क्या है, टू नॉट हैव कंप्लीट फेथ इन द चैंटिंग ऑफ द होली नेम एंड टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर, टू मेंटेन मटेरियल अटैचमेंट्स। हम कोशिश करना बंद कर देते हैं अपने अटैचमेंट्स को छोड़ने का, और उनको पकड़ कर रखने में अगर आनंद महसूस करते हैं और छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ नहीं पा रहे वो अलग बात है, लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ कर रखना चाहते हैं अपने अटैचमेंट्स को, तो वो हरिनाम के प्रति 10वां अपराध है। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर, अगर हमें समझ में नहीं आया तो बात अलग है, लेकिन समझ में आ गया है तब भी हम छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहे तो वो गलत है। ध्रुव महाराज, उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, ब्रह्मा से भी बड़ी किंगडम चाहिए, तो उनको जीवन का लक्ष्य समझ में आया नहीं था, लेकिन ईमानदारी से अपने लक्ष्य पर चल रहे थे कि मैं दिखावा नहीं करूंगा कि मैं महान भक्त हूं, लेकिन मुझे तो पैसा चाहिए, मुझे तो किंगडम चाहिए, पूरी दुनिया का राज चाहिए, मुझे बदला लेना है, मेरी माँ ने वैसा बोला मेरे को कि अब तुम अपने पिता की गोदी में नहीं बैठ सकते, तो मुझे पिता से भी बड़ा, दादा से भी बड़ा, परदादा से भी बड़ा राजपाट चाहिए। लेकिन जब बात समझ में आई, जब विष्णु भगवान के दर्शन हुए, तब क्या बोले, अरे मैं तो कांच के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था और मुझे तो दिव्य रत्न मिल गया, इतना नालायक हूं मैं, बहुत अपने आप से घृणा करने लगे, बहुत बुरा महसूस करने लगे कि ये मैंने क्या मांग लिया। तो जब बात समझ में आई तो पकड़ कर नहीं बैठे रहे कि मुझे तो ब्रह्मा से बड़ी किंगडम चाहिए, ठीक है विष्णु भगवान का दर्शन बड़ी चीज है, लेकिन मुझे तो अपनी छोटी चीज चाहिए, नहीं पकड़ कर नहीं बैठे रहे। तो उसके अंदर जो दूसरा फ्रेज है, इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑन दिस मैटर, जितना हमको समझ में आता है उसके हिसाब से हमें सिंसियरली आगे बढ़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक्सक्यूज देते हैं, ये बात सही है बट मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं हेल्पलेस हूं, मुझसे कैसे होगा, मेरी तो आंखों में दर्द हो जाता है, जैसे मेरी बेटी ने बोला मेरा शरीर तो काम नहीं करता, मुझसे तो उठा नहीं जाता, मेरी तो कोई दूसरी सेवा भी है, तो ये सब हम एक्सक्यूज देते हैं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और करना है, या फिर हम जस्टिफाई करते हैं, हाँ मैं नहीं कर रहा तो क्या गलत है इसमें, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। पहले तो ये कि हाँ आप जो करने के लिए कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा किसी ना किसी वजह से, ये तो हो गया एक्सक्यूज। और जस्टिफिकेशन, ये जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, आप गलत करने के लिए कह रहे हो मेरे को, इसमें क्या प्रॉब्लम है, हम जो कर रहे हैं उसी को सही साबित करने की कोशिश करना, मैं हेल्पलेस नहीं हूं लेकिन जो मैं कर रहा हूं वो सही है, गलत काम को सही साबित करना, जस्टिफिकेशन। राधानाथ महाराज क्लास में बोलते हैं, पीपल लाई क्राई एंड डाई फॉर वेल्थ पावर एंड प्रेस्टीज। क्या है, वेल्थ पावर और प्रेस्टीज से अटैचमेंट है, जब तक मिल रही है तब तक झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तब तक रोने की जरूरत नहीं है, तब तक मरने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही छिनने लगी तो सच्चाई सामने आ जाती है, हम झूठ बोलने लगते हैं, पॉलिटिक्स करने लगते हैं, रोने लगते हैं, तरह तरह के पैंतरे अपनाने लगते हैं, क्यों, क्योंकि अटैचमेंट है इन सब चीजों से, प्रतिष्ठा से। भक्ति विनोद ठाकुर का एक भजन है दुष्ट मन, उसमें वो क्या बोलते हैं कि रिप्यूटेशन या मटेरियल प्रेस्टीज जो हमारी प्रतिष्ठा है, इसको दो बार उनके भजन में उन्होंने इसको एक सुअर की विष्ठा से कंपेयर किया है। जड़ेर प्रतिष्ठा शुकरेर विष्ठा, जड़ जो मटेरियल चीजें हैं उनके प्रति आपकी कोई मटेरियलिस्टिक प्रेस्टीज है, उन चीजों से एजुकेशन हो गया, वेल्थ हो गई, जड़ चीजें हैं, चली जाएंगी, टेम्पररी हैं, लेकिन इनके प्रति अगर आप प्रतिष्ठा को लेकर बैठे हुए हैं कि देखो मैं कितना महान हूं, मेरे पास पैसा है,
देखो मैं कितना महान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, डिग्रियां हैं, एजुकेशन है, सुंदरता है, जो भी है, इन चीजों के पीछे आप जो लेकर बैठे हैं तो चली जाएगी, क्या बेवकूफी है, ये तो सुअर की विष्ठा जैसा है। फिर आगे बोलते हैं, एक सेम चीज भजन में आगे भी रिपीट करते हैं। तो हिपोक्रेसी क्या है, जब हम गलत चीज को पकड़ कर बैठ जाते हैं तो छोड़ते नहीं है बात समझ में आने के बाद भी। सेम प्रतिष्ठा के पीछे ध्रुव महाराज भी भाग रहे थे, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल दिया, लेकिन जब बात समझ में आई तो छोड़ दिया उन्होंने। लेकिन एक्चुअली ये चीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हम जो भी चीज करते हैं ना, राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बताते हैं, हमारे अंदर दो डॉग्स हैं, गुड डॉग एंड बैड डॉग। हम जो भी चीज करते हैं, हमारा हर कार्य या तो हमारे अंदर गुड डॉग को नरिश करता है या बैड डॉग को नरिश करता है, या दोनों को नरिश करता है। अगर आप देखें, गुड डॉग हमारे अंदर की अच्छाई है और बैड डॉग हमारे अंदर की जो गलत टेंडेंसीज हैं, सिंफुल प्रोक्लिविटीज हैं, वो बैड डॉग है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ गुड डॉग को फीड करते हैं, गुड डॉग को नरिश करते हैं। जैसे कुछ ऐसे कार्य हैं जो सिर्फ बैड डॉग को नरिश करते हैं। जैसे अगर आप सीधे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स तोड़ना शुरू कर दें बेशरम होकर, या राक्षसी कुछ काम करें, या सीधे ऐसा प्रचार करें कि भगवान नहीं है, सब बकवास है, भक्ति के अगेंस्ट, धर्म के अगेंस्ट सीधी बात करें एकदम निर्लज होकर, तो उससे सिर्फ आपके अंदर की नेगेटिविटी बढ़ेगी। दैट इज लाइक फीडिंग द बैड डॉग। फिर कुछ ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ गुड डॉग को फीड करते हैं, पर ऐसे बहुत रेयर होते हैं। जैसे अगर आप भक्ति कर रहे हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हर कोई आपके खिलाफ है, आपको कोई प्रतिष्ठा नहीं मिल रही, गालियां पड़ रही हैं, लेकिन फिर भी अच्छा काम अगर आप करते रहे हैं, जहां आपको कुछ बढ़ाई या मान नहीं मिल रहा, तो उससे हमारे अंदर की सही काम करने की प्रोपेंसिटी बढ़ती है, गुड डॉग नरिश होता है। लेकिन ज्यादातर एक्शंस जो होते हैं हमारे, उससे क्या होता है, गुड डॉग को भी नरिशमेंट मिलता है और बैड डॉग को भी नरिशमेंट मिलता है। जैसे मैंने आज के डिस्कशन के स्टार्टिंग में बोला, चैंटिंग जब करने से मन भी शुद्ध होता है लेकिन ग्लोरिफिकेशन भी मिलता है, अरे ये तो बहुत अच्छे भक्त हैं। सेवा करने से क्या होता है, कृष्णा भी प्रसन्न होते हैं लेकिन प्राइड भी आती है, आप तो बहुत अच्छी सेवा करते हैं, बहुत अच्छी रेटी वर्शिप करते हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा भक्तों की सेवा करते हैं। इस चीज में क्या करना चाहिए, जब हमारा गुड डॉग भी नरिश हो रहा है और बैड डॉग भी नरिश हो रहा है, और हमारे साथ ज्यादातर करके ऐसा ही होता है, तो इस केस में हमको ये देखना चाहिए कि हमें मजा किस चीज में आ रहा है। मुझे मान सम्मान भी मिला और मन भी शुद्ध हो रहा है मेरा, मैं किस चीज पे फोकस कर रहा हूँ इंटरनली। एक्सटर्नली तो सेम चीज करनी है, भगवान का नाम ही लेना है जब भी करना है, लेकिन इंटरनली मेरा पर्पस क्या है, इसके बारे में थोड़ा मेडिटेट करना चाहिए, इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। अगर हम अपने आप को देखते हैं कि हम मजा ले रहे हैं, कि हमारे अंदर की जो नेगेटिव चीज को जो जो नरिशमेंट मिल रहा है, बैड डॉग को जो नरिशमेंट मिल रहा है, उसमें हम मजा ले रहे हैं, तो गलत है, कहीं ना कहीं हम गलत ट्रैक पर हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा, या तुम सीक्रेटली अंदर ही अंदर मजा लेते रहेंगे तो हम हिपोक्रेट बन जाएंगे। हम दिखा रहे हैं कि मैं नाम जप कर रहा हूं मन की शुद्धि के लिए, लेकिन एक्चुअली प्रशंसा के लिए कर रहा हूं, तो हम हिपोक्रेट बन जाएंगे, इंटरनली हिपोक्रेट बन जाएंगे। या फिर थोड़े टाइम के बाद अगर हमें वो बैड डॉग के नरिशमेंट में मजा आ रहा है, तो थोड़े टाइम के बाद सब कुछ छोड़ देंगे और शेमलेसली गलत काम करने लगेंगे, ओपनली बोलेंगे कि हाँ बैड डॉग है लेकिन क्या है, मैं तो ऐसा ही हूं, तो हम शेमलेस हो जाएंगे, या तो हिपोक्रेट हो जाएंगे या तो शेमलेस हो जाएंगे, अगर हम गलत चीज में आनंद ले रहे हैं तो। लेकिन ये जो बैड डॉग है, इसका ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। अगर हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखें, आप बोलेंगे आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, हमें तो बैड डॉग को बिल्कुल अलग रखना चाहिए ना, उसको तो नरिशमेंट देना ही नहीं चाहिए। लेकिन इसको भी नरिशमेंट देना जरूरी है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, नरिशमेंट देना नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है, इसको इग्नोर किया तो ये हमारी लाइफ में गड़बड़ कर देगा। लेकिन अगर इसको नरिश किया तो भी हमारी लाइफ में गड़बड़ कर देगा, तो और स्ट्रांग हो जाएगा, हमको ओवरपावर कर देगा, हमारी नेगेटिव चीज बढ़ जाएगी। तो जैसे जो एक आँच होती है, स्पार्क होता है,
उसको एक सही मात्रा में हवा चाहिए। ज्यादा हवा डाल दी तो आग बुझ जाएगी, और बिल्कुल भी उसको हवा नहीं किया तो भी बुझ जाएगी। तो एक सही मात्रा में उसको टैकल करना चाहिए एकदम सही तरीके से, और ये बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए कृष्ण क्या बोलते हैं, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। एडिक्वेट ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन एंड वर्क, अपने खाने पीने का, न कम खाइए न ज्यादा खाइए, जितनी जरूरत है उतना खाइए, जितनी जरूरत है उतना सोइए, जितनी जरूरत है उतना काम करिए, और जितनी जरूरत है उतना थोड़ा बहुत मन की शांति के लिए रिक्रिएशन और एंटरटेनमेंट भी करिए। तो ये सब चीजें क्या है, एक तरीके से बैड डॉग ही है ना, इनका ध्यान रखना जरूरी है। उसी तरह हम देखते हैं वेस्टर्न डिवोटीज, कभी कभी उनकी स्टैंडर्ड जो बॉडीली कंफर्ट का स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ज्यादा है, तो हम देखते हैं उनको थोड़ा स्टैंडर्ड चाहिए, थोड़ा फिजिकल बेनिफिट्स चाहिए उनको, उसके बिना वो भक्ति कर नहीं पाएंगे। हम में से काफी लोग जो बहुत ज्यादा जिनके पास पैसा है या बहुत ज्यादा लग्जूरियस लाइफ जीते रहे हैं, कितने भी सिंसियर हों, लेकिन जिस स्टैंडर्ड पे हम रह रहे हैं उस स्टैंडर्ड से हम सडनली अपना स्टैंडर्ड नहीं चेंज कर सकते, वरना हम परेशान हो जाएंगे। गौरांग प्रभु कहते हैं दो चीजों का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है, प्रसादम और प्रसाधन। अगर आपका प्रसादम अच्छा है और रहने और टॉयलेट की अच्छी व्यवस्था है तो फिर लोगों का माइंड थोड़ा टेंशन फ्री हो जाता है, फिर वो यात्रा में लेक्चर सुन सकते हैं, वरना वो यही सोचते रहेंगे अरे मेरा अकोमोडेशन ऐसा है, मेरा टॉयलेट का फैसिलिटी ऐसा है, प्रसादम कब मिलेगा, वो एंग्जाइटी में रहेंगे और क्लास सुन नहीं पाएंगे। तो प्रसादम और प्रसादम का जो आप ध्यान रख रहे हैं, एक तरीके से आप बैड डॉग का ध्यान रख रहे हैं। एक बार एक छोटा बच्चा शिला जुहू का बात है, तो एक 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 बच्चा था, उन्होंने टेंपल ज्वाइन किया था, तो सब्जी लेने गए थे, कुछ सामान लेने गए थे बाहर से, तो थोड़े छुट्टे पैसे बचे तो उससे उन्होंने एक चॉकलेट खरीद ली और बीट बैग में डाल ली। मंदिर में आए, प्रभुपाद को दंडवत किया, झुके तो बीट बैग में से चॉकलेट निकल गई। प्रभुपाद ने देखा उठाकर, क्या है ये, तो घबरा गए। तो उन्होंने क्या किया, ब्रेबरी, प्रभुपाद को बोला प्रभुपाद आप भी खाइए। तो प्रभुपाद ने खाकर देखा, फिर उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़े, बोले इसके अंदर तो चॉकलेट है, हम नहीं खाते। लेकिन इग्नोर नहीं किया प्रभुपाद ने, प्रभुपाद को समझ में आया इसकी भी अपनी एक नीड्स है, इसको मीठा खाना है। तो बोले तुम इसे क्यों खाते हो, प्रभुपाद क्योंकि ये मीठा है, तुम्हें मीठा खाना अच्छा लगता है, हाँ मुझे मीठा खाना अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद उसी समय किचन में गए, सूजी का हलवा बनाया और बिना भगवान को ऑफर किए डायरेक्टली उस बच्चे को दे दिया, क्योंकि वो शायद इतनी देर रुक नहीं पाता। जब उन्होंने प्रभुपाद का ये कृपा देखी, प्रभुपाद ऐसा कर रहे हैं, तब से वो समझ गए कि नहीं, अब मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगा और मैं मंदिर भी नहीं छोड़ूंगा। फिर उन्होंने हमेशा आज तक याद करते हैं, इतने 50 साल हो गए उस बात को, वो ही बिकेम सोल्ड आउट टू प्रभुपाद। प्रभुपाद ने क्या किया, ऑफरिंग भी नहीं की, उनकी एक नीड थी उसका ध्यान रखा। और यही प्रभुपाद अगर डांट मार देते तो, उन्हें सिद्धांत सिखाने लगते तो, टेक्निकली प्रभुपाद गलत नहीं करते, देखने में लगता है कि शायद प्रभुपाद ने प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज कर लिए, और डांट लगाते तो शायद प्रिंसिपल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, लेकिन उसका असर क्या होता, वो बच्चा कभी शायद भक्त नहीं बन पाता। तो ये जो विज्ञान है, ये जो सीनियर भक्त होते हैं उनको समझ में आता है, प्रभुपाद को समझ में आता था क्या काम करेगा क्या काम नहीं करेगा। उसी तरह जब मैं पुणे मंदिर में रहता था, तब राधेश्याम प्रभु हम लोगों से कहते रहते थे तुम्हारे कपड़े इतने गंदे रहते हैं, थोड़ा अच्छे से धो लिया करो, मंदिर में बैठकर जब कर रहे हो और कुर्ता काला और पीला पड़ा हुआ है, ये अच्छा प्रचार नहीं है। हमें समझ में नहीं आता था, समय भी कम था लाइफ में, बहुत मतलब समय का अभाव था, नींद पूरी नहीं होती थी, कुर्ता ढंग से धोने का समय नहीं मिलता था। हम क्या बोलते थे, पानी में डाला तो पानी से शुद्ध हो जाता है, हो गया काम। तो अभी राधेश्याम प्रभु कैसे समझाए, डांट मारेंगे तो छोड़ के भाग जाएगा, सेंसिटिव है। तो उन्होंने मुझे एक कुर्ता गिफ्ट किया, तो इतना दिल को चुभा, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, मतलब मेरे जैसा नालायक आदमी जिसको डांट पड़नी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, उसको आप ऐसा गिफ्ट दे रहे हैं। तो मेरे हृदय पर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसका। तो जिन भक्तों को ये साइंस समझ में आती है वो अच्छे से डील करते हैं। तो हम में से कई लोग, ज्यादातर लोग बहुत कुछ ना कुछ हद तक थोड़े सेंसिटिव हैं। अगर हमको सही बात पर डंडा मारा जाए
तो हम भाग जाएंगे। उस हिसाब से देखें तो आनंद वृंदावन प्रभु, क्योंकि उनकी प्योरिटी है, हम सबको डंडा मारते हैं, इसलिए वो बार बार हम सबको ग्लोरीफाई भी करते हैं कि मैं इतना डंडा मारता हूँ फिर भी तुम रुके हुए हो, बड़ी बात है। और प्रेम भी बहुत करते हैं, लेकिन वो इतना अच्छे से बात को रिवील कर देते हैं, सत्य को, कि इंसान की सत्य समझ में आ जाता है। वो जरूरी है, जब हमें सत्य समझ में आता है तब चीज को ग्रहण करना आसान होता है, लेकिन जब सत्य समझ में नहीं आता तो हमें क्या दिखता है, सिर्फ डांट दिखती है, सिर्फ ऐसा दिखता है कि ये इंसान तो मुझसे प्रेम नहीं करता, छोटे बच्चे की तरह। अगर आप उसको सही बात पर थोड़ा डांट लगाए तो छोटे बच्चे की तरह रोकर मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, ये कह रहा था बचपन में, माँ बाप ने डांट दिया, कहाँ जा रहे हो, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, अरे मम्मी ने तो जलेबी बनाई है, जलेबी, बच्चा वापस आ जाता है। तो समझ नहीं है, इसलिए फिलोसफिकल कन्विक्शन बहुत जरूरी है ताकि हम सत्य को अच्छे से समझ कर एक्सेप्ट कर पाए। चाणक्य भी क्या बोलते हैं, यू कैन विन ओवर, जो लालची व्यक्ति है उसको उसको कंट्रोल में करना है तो पैसा दीजिए, जो बहुत ज्यादा अभिमानी व्यक्ति है उसके सामने हाथ जोड़कर झुक जाइए तो आपकी बात मान लेगा, आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। कोई मूर्ख आदमी है कुछ भी बकवास कर रहा है तो आप उसकी हाँ में हाँ मिला दीजिए, हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, सही बात है, सही बात है, तो वो आपकी आपके सामने आपके कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण है उसको कंट्रोल में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सत्य बोलना पड़ेगा। सत्य के अलावा आप कुछ भी बोलेंगे तो ब्राह्मण आपके कंट्रोल में नहीं आएगा, लेकिन जब आप सत्य बोलेंगे तब वो आपकी बात मानेगा। ये एक होस्टेज सिचुएशन जैसा है, होस्टेज सिचुएशन मतलब कोई किडनैप कर लेता ना किसी को, तो आप क्या करते हैं, अगर आप कुछ नहीं करेंगे, हमारी भक्ति लता बीच का भी किडनैप हुआ है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो जो आपके संबंधी का जिसका परिवारी जन का किडनैप हुआ है तो मार देंगे उसको, अरे तुम पैसा नहीं दे रहे ठीक है हम तुम्हारे बच्चों को मार देंगे। लेकिन अगर आप उनको नरिश करते रहेंगे तो भी आपके बच्चे को मार देंगे, उनको पैसा दे भी दिया तो भी शायद आपके बच्चे को मार देंगे। तो उसको बहुत एक्टफुली, बहुत ध्यान से हैंडल करना पड़ता है। हमने शायद कुछ मूवीज में देखा होगा किस तरह होस्टेज को छुड़ाया जाता है, किस तरह आर्मी छुड़ाती है, क्योंकि पैसा लेने के बाद भी वो मार के भाग जाएंगे, कहीं कुछ ट्रेस ना छूट जाए, कहीं हम पकड़े ना जाए। तो उसी तरह अपनी भक्ति लता बीज को बचाना ज्यादा जरूरी है किडनैपर्स को सजा देने से, अगर किडनैपर्स भाग भी गए तो चलेगा, हमारी भक्ति लता बीज कहीं बर्बाद नहीं हो जाए। लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो भी भक्ति लता बीज हमें वापस नहीं मिलेगा। हम में से ज्यादातर लोग, ये सवाल मेरे मन में कई वर्षों तक रहा और इसका सही जवाब मुझे अभी जगन्नाथपुरी की यात्रा में मिला, आनंद वृंदावन प्रभु से मैंने फिर यह सवाल पूछा, प्रभु जी हम सबके अंदर चीटिंग प्रोपेंसिटी है, जो चार डिफेक्ट्स हैं ह्यूमन लाइफ के, कि इम्परफेक्ट सेंसेस, टेंडेंसी टू बी इल्यूजन्ड, टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक एंड चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम सबके अंदर है, तो सिंसेरिटी क्या है, हम सभी इनसिंसियर हो गए ना एक तरीके से, सिंसियर तो है ही नहीं, चीटिंग प्रोपेंसिटी तो है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मात्रा में, कभी ज्यादा कभी कम चीटिंग तो करते ही है, तो कहां सिंसियर हुए। तो मुझे जवाब मिला और मुझे समझ में आया कि हम कंप्लीटली इनसिंसियर भी नहीं है, क्योंकि अगर कंप्लीटली इनसिंसियर होते तो यहां बैठकर ये चर्चा नहीं कर रहे होते, और कंप्लीटली सिंसियर भी नहीं है, हम बीच में है, सेमी सिंसियर बोल सकते हैं। तो प्रभु जी ने एक चीज मुझसे सीधा पूछा, तुम्हारी लाइफ में कोई चेंज आया है कि नहीं आया है, सच बताओ। मैंने कहा प्रभु जी क्या चेंज आया है, मैं तो अभी भी इनसिंसियर हूं, जो बहुत जोर का डांट लगाया, तुम इधर जगन्नाथपुरी में बैठा है, अपने मन पे हाथ रख के बोलो कोई चेंज आया कि नहीं आया, भक्तों के संग सुबह बैठ के जपा करता है, सोलह माला, कोई चेंज आया कि नहीं आया। मुझे समझ में आया हाँ चेंज तो आया है, इनसिंसियरिटी शायद अभी भी है लेकिन पहले से थोड़ी सिंसियरिटी बढ़ गई है, अनर्थ थोड़े थोड़े कम हो रहे हैं, रास्ता बहुत लंबा है लेकिन समझ में आ रहा है कि सही रास्ते पे जा रहा हूं। तो हमारे संग ऐसा होता है, तो उन्होंने सेम सॉल्यूशन बताया, आप भक्तों के संग में इंटेंसली भक्ति करें, जो सीरियस हार्डकोर भक्त है, तब आपकी सिंसेरिटी बढ़ेगी, जो सिंसेयर डिवोटीज हैं उनके संग जब आप संग करेंगे तो आपकी भी सिंसेरिटी बढ़ेगी। तो हम सब सेमी सिंसेयर हैं, और ये जो डेलिकेट सिचुएशन है, जैसे मैंने आपको होस्टेज सिचुएशन बताई कि हमारा किडनैप हो गया है हमारी भक्ति लता बीच का, इस सबसे सिर्फ हरिनाम बाहर निकाल सकता है, क्योंकि ज्यादा लोड लेंगे ना, ज्यादा परेशान करेंगे अपने आप को इंटेंसिटी के नाम पर तो भी परेशान हो जाएंगे, और लाइटली लेंगे तो भी परेशान हो जाएंगे। तो अपने साथ भी हमको थोड़ा, अगर समझ में आ रहा है हम परेशान हो रहे हैं, तो थोड़ा जेंटल रहने की
आवश्यकता है। इसके बारे में ब्रजबिहारी प्रभु काफी बोलते हैं। और ये जो टेंडेंसी होती है ना हमारी, जो गलत चीज को हम छोड़ नहीं पाते, एक तो ये छोड़ना नहीं चाहते, एक छोड़ नहीं पाते, तो वो गलत चीज को आप छीनेंगे ना तो सही चीज भी छिन जाएगी। हम देखते हैं जब बच्चे झगड़ा कर रहे होते हैं तो हम बड़े बच्चे को पकड़ते हैं, बेटा तू तो बड़ा है, ऐसा क्यों कर रहा है, तुम क्या कर रहे हैं एक्चुअली, हम गेम खेल रहे हैं बड़े बच्चे के साथ, उसको क्या बोल रहे हैं, तू बड़ा है, उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको एक तरह से प्रेस्टीज दे रहे हैं, फॉल्स प्रेस्टीज दे रहे हैं, क्योंकि वो एनीवेज उस चीज को पकड़ के बैठा हुआ है, तो उस चीज को बढ़ावा देकर हम उसको सही काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। वो बोलता है हाँ मैं तो बड़ा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद भी क्या बोलते थे, चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं इंडियंस को, भारत भूमि ते हैले मनुष्य जन्म जार, जन्म सार्थक करी परोपकार। अरे तुम तो इंडियन हो, तुम्हारा तो धर्म की भूमि में जन्म हुआ है, तो एक तरह से ग्लोरीफाई कर रहे हैं ना चैतन्य महाप्रभु, और ग्लोरीफाई करके क्या बोल रहे हैं, अरे तुम तो ऐसा मत करो, कम से कम तुम तो भक्ति को सीरियसली लो, फिर उसके बाद प्रचार करो। तो एक तरीके से जो मेरी प्रतिष्ठा है, देखो मैं भारतीय हूं, देखो मैं इंडियन हूं, उस चीज को चैतन्य महाप्रभु थोड़ा उंगली कर रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो बड़े हो, आप तो अच्छा अच्छा काम करो। प्रभुपाद भी जब किसी को मिलते थे तो ऐसी चीजों का ध्यान रखते थे, उनको उनको कई बार ग्लोरीफाई करते थे, कि उनको ग्लोरिफिकेशन चाहिए, अपने ग्लोरिफिकेशन से अटैच है, तो ग्लोरिफिकेशन के नाम पर आदमी सही रास्ते पे लग जाता है, काम क्या कर रहा है, ग्लोरिफिकेशन के लिए कर रहा है, लेकिन साइड साइड में वो जो स्पार्क है वो भी फैन हो जाता है, फिर धीरे धीरे आदमी को समझ में आता है, मेरे को इतना मस्का लगाया जब मैं टेम्पल में आता था, मेरा इतना ध्यान रखा, मेरे लिए स्पेशल क्लासेस करी, इतना प्रसाद खिलाया, इतना कुछ किया, और मैं प्रसाद खाने के लिए आता था, कितना नालायक था मैं, वो रसगुल्ला खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए मैं क्लास करने आता था, और कई बार तो क्लास खत्म होने के बाद आता था कि हाँ प्रसाद के टाइम पे जाएंगे। तो इंसान को फिर धीरे धीरे बात समझ में आने लगती है। तो स्टार्टिंग में आप इसको ट्रांसेंडेंटल चीटिंग बोलें, कुछ भी बोलें, लेकिन जो इंसान जिस चीज में मन अटका है उस चीज का ध्यान रखना तो जरूरी है, प्रसादम प्रसादन जो भी है। फिर उसके बाद धीरे 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 जब कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्सपोजर मिलता है तब बात धीरे धीरे समझ में आती है और हम भक्ति में आगे बढ़ पाते हैं। वापस मैं उसी बात पर आऊंगा, जो दो छोटे बच्चे हैं कार्तिक और कामाक्षी, उन्होंने अपना एग्जाम्पल देने के लिए दिल पे पत्थर रख के हाँ बोला, ताकि कुछ बात हिपोक्रेसी से रिलेटेड हमें समझ में आए। अब उनको क्या बोलेंगे, क्या वो इनसिंसियर है, क्या वो हिपोक्रेट है, वो भी सेमी सिंसियर कैटेगरी में आते हैं। जब उनके उनकी कोई चीज पकड़ी गई कि उनका उनकी बदनामी होगी, सारा डिवोटी फैमिली उनको बोलेगा अरे कैसे बच्चे हैं, हम तो उनको बहुत अच्छा समझते थे, तो उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था, तब तो फिर उनके अंदर की सारी नेगेटिविटी एक एक करके बाहर आने लगी, बट एक्चुअली सिंसियर है भी। तो उनको एंकरेज करने के लिए, अगर वो ये लेक्चर कभी सुने, पता नहीं सुनेंगे या नहीं, आप सबसे प्रार्थना है कि उनके लिए भी प्रार्थना करिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए, मैं भी आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम सब इस चीज में बहुत बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं। हरे कृष्णा।